Hello guys, a warm welcome on my YouTube channel Lavish Career. This is Macbeth Kaur and today we are discuss about alphabet. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये काफी बेसिक है और हमने ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है. सो इस वीडियो में आप जानेंगे कि सच में जो आपने पढ़ा है क्या अल्फाबेट वहीं तक है. ये वीडियो ना सिर्फ एक बेसिक लर्नर के लिए बल्कि एक एडवांस लर्नर को भी कुछ नया सिखाएगी. सो प्लीज मेरी वीडियो के साथ बने रहे. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज लेटर एंड हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फाबेट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. सो एंड व्हाट इज कर्सिव राइटिंग. So next question is different types of letters. So firstly we are discuss about alphabet. यहाँ पर देखिए मैंने mention किया है इसकी definition, a set of letters in a fixed order that you use when you are writing a language. और इसके according to alphabet की meaning क्या बनती है. कुछ लोग सोचते हैं कि alphabet का meaning होता है A to Z in English. लेकिन आप वो लोग थोड़ा गलत सोच रहे हैं क्योंकि अल्फाबेट का असल में मीनिंग होता है एक वर्णमाला. जैसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते किसे हैं कि जो जो अ से शुरू होकर एंड तक जितने भी लेटर्स वगैरह हैं उनका समूह को, उनके जो एक सेट होता है उनको हम कहते हैं वर्णमाला. सो उसी के तरह अल्फाबेट भी एक वर्णमाला है जिसमें जो अक्षर है, जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर्स. तो अभी मुझे लगता है कि काफी लोगों को अल्फाबेट में और लेटर्स में डिफरेंस पता चला होगा. सो मुझे लगता है कि इसी के साथ आपके लेटर्स का भी आंसर निकल चुका होगा कि लेटर्स होते क्या है. आई एम सॉरी. सो लेटर्स की डेफिनेशन भी मैंने दी हुई है नीचे. अ सिंबल यूजुअली रिटन और प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच साउंड. तो हमें ये क्या बताती है कि जब भी हम किसी बोलने वाली भाषा को लिखने के रूप में प्रकट करना चाहते हैं तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, अक्षरों की. जो सिंबल कह सकते हैं कि इस लेटर्स को हमने एक सिंबल की, जो हम ये लिखते हैं ए बी सी डी, ये एक सिंबल की तरह यूज होते हैं हमें एक लिखने की भाषा के लिए. सो अभी आपको लेटर्स का भी मुझे लगता है काफी पता चला होगा कि लेटर्स एक्चुअली में होते क्या है. So then we are talking about how many letters in alphabet. So काफी लोगों को ये पता होगा कि English में 26 letters हैं. Okay. So then we discuss about difference between capital and small letters. So मैंने ये देखिए नीचे लिखे हुए A B C D in a small words. इसे हम कह सकते हैं small cases. Capital cases. ये एक अपर केसेस होते हैं, ये लोअर केसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं, इनको सबको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स और इधर वाले को हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स या फिर अपर केस और लोअर केस. ओके. सो आप जब भी आपने अभी इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में लिखना है सो आप तब इस लैंग्वेज इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और अगर आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. So then we are discuss about cursive writing. काफी लोगों को मतलब इसमें परेशानी होती है कि small cases और cursive writing क्या एक similar है, लेकिन इसका answer नहीं. क्योंकि एक जो small cases होते हैं उसमें हम इस तरह English को use करते हैं, उसमें हम कोई भी जैसे आप कह लो कि designing वगैरह कुछ ये ना एक थोड़ा मतलब इसमें हम represent करते हैं कुछ अलग तरीके से. So ये जो ये सब कीज लिखे हुए हैं ये है कर्सिव राइटिंग के और ये है स्मॉल कीज. सो इन ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से. ओके. सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स. काफी पर्सन ये जानते होंगे कि लेटर्स 26 तरह के होते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट एक होते हैं वॉवल्स. ओके. So next we are talking about vowels and consonants. First we are
राइटिंग अबाउट वॉवल्स. अगर आपको वॉवल्स के बारे में पहले पता है सो दिस इज अ वेल एंड गुड. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज देखिए इसको ध्यान से. सो वॉवल इंग्लिश में होते हैं 5 टाइप्स के, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर. स्वर जैसे कि जैसे ध्वनि की तरह एक रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे गले से आवाज आती है उन्हें स्वर कहते हैं. सो इंग्लिश में हम इसे वॉवल्स कहते हैं. और इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. काफी लोगों को लगा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू तक वॉवल्स हैं और यही इनका मतलब एक वॉवल्स है. लेकिन यहां पर भी मैं आपको काफी लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि एक वॉवल्स जब हम लिखते हैं, अगर हम ए लिखते हैं तो इट मीन्स ये वॉवल्स अकेला वॉवल नहीं है. एक्चुअली में ये होता क्या है, इसका साउंड. अगर तो हमें किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में अगर हमें वॉवल्स का साउंड आता है देन वी आर सेइंग दैट दिस इज अ वॉवल. अदरवाइज वी आर टेक इट एज अ कंसोनेंट. लाइक मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट एक, नहीं तो इसको हम एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन जस्ट एज एज एग्जांपल जहां पर मैंने लिखा है एम बी ए, काफी लोगों को लगा होगा कि ये वॉवल्स में तो मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि ये कॉन्सोनेंट होगा. लेकिन आप सब रॉन्ग है, क्योंकि आप देखिए जैसे हम एम बी ए लिखते हैं इसका एम का साउंड क्या आता है, एम. सो अब आपको लगा होगा यस दिस इज अ वॉवल, क्योंकि इसका साउंड क्या बनता है, एम. और वहीं अगर हम बात करें मैन की, मैन. देखिए अब इसको बोलिए और बोलकर देखिए मैन बनता है, मैं मर्ज से आवाज आती है, तो हम इसको वॉवल्स में नहीं रखेंगे, ये एक कॉन्सोनेंट होगा. सो मुझे लगता है काफी हद तक आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का डिफरेंस पता चला होगा. सो अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट कितने हैं, इंग्लिश में 21 तरह के कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अगर ब्रीफली जाए तो थोड़ा बी, सी, डी, देन ई को छोड़कर एफ, जी, एच एंड देन आई को छोड़कर जे, के, एल, एम, एन एंड फिर ओ को छोड़कर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, सॉरी यू एक वॉवल है सो यू छोड़ देंगे, और वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. सो आप देखिए जहां पर मैंने यह फिलिप्स छोड़ी है वो एक वॉवल्स है और बाकी सबके क्या है, कॉम्पोनेंट. सो दिस इज अ वॉवल्स ए, मुझे लगता है आपका काफी एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इस वीडियो के दौरान. सो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.